एक ओर मोदी सरकार है जो चाइना को कई तरीकों से प्रताड़ित कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में कई जगहों पर चाइना के खिलाफ अलग अलग तरीके से आंदोलन हो रहे हैं। भले ही कोरोना के काल में लॉकडाउन हो और भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन नहीं हो, लेकिन भारत के लोगों में देश प्रेम इतना ज्यादा है कि वह किसी भी तरह अपना देश प्रेम दिखलाने से पीछे नहीं हटते। बायकॉट चाइना यह कई बार कहा जाता है, लेकिन हर बार लोग सस्ते माल के चक्कर में चाइना का बायकॉट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इस बार लोगों के मन में चाइना के प्रति गुस्सा है, और वह यह गुस्सा इसलिए भी है कि लोगों को यह पता है कि कोरोना वायरस चाइना द्वारा ही फैलाया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सारी जाँच में ही पता चलेगी, लेकिन लोगों का गुस्सा अब सामने आने लगा है। जलगांव में भी बायकॉट चाइना के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और ये कार्यक्रम जलगांव की महापौर भारती सोनवने की अगुवाई में कोविड केयर सेंटर में किया गया था, जहां महापौर ने कोरोना से जंग जीत कर आए मरीजों को कसम खिलाई कि वो सभी चाइना के सामानों का बायकॉट करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चीनचा या ठिकाणी आम्ही निषेध केला आणि सर्व कोविड पेशंट जे आज घरी जातात 70-80 लोकांची या ठिकाणाहून सुटका झाली, ते बरं झाले, ते आजारमुक्त झाले, कोरोनामुक्त झाले, त्या लोकांनी या ठिकाणी व आम्ही या ठिकाणी शपथ घेतली की आम्ही चिनी वस्तूंचा वापर करणार नाही। मी या संपूर्ण विश्वाला विनंती करतो की संपूर्ण विश्वाला ज्यांनी महामारीच्या खाईमध्ये लोटलं ज्या देशाने, त्या चीनच्या वस्तूंचा कोणीही वापर करू नये, चीनच्या वस्तूंचा सर्वांनी बहिष्कार करावा, म्हणजे ते ठिकाणावर येतील आणि व्यवस्थित राहतील। बायकॉट चाइना का यह आंदोलन जलगांव के कोविड केयर सेंटर पर किया गया, जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सेहतमंद होकर बाहर निकल रहे थे, जहां पर इन लोगों के दिल में चाइना के प्रति गुस्सा साफ झलक रहा था। हा आजार ज्या चीन मुळे आपल्याला मिळाला आहे, एक लक्षात ठेवा की चीन मुळे आपल्यावरती वेळ आज आलेली आहे, इथून बाहेर निघाल्यावरती चीनच्या मालावर जास्तीत जास्त बहिष्कार टाकण्याचा प्रयत्न करा। हा बहिष्कार एक दोन दिवसात शक्य नाही आहे, हे लॉंग टर्मचं एक काम आहे। ह्याच्यापुढे आम्ही इथं चीन मधल्या वस्तू वापरणार नाही आणि याचा बहिष्कार करू आणि याच्या बोलून कोणाला पण वापरायला नाही सांगू। चीन की देश की सीमा पर घुसखोरी और कोरोना, ये सारी बातें उन्हें गुस्सा दिला रही थी। अभी भारत सरकार ने चाइना के कुछ और मोबाइल ऐप्स भारत में बैन कर दिए हैं, जिससे चीन बौखला गया है। देश प्रेम को बोलकर दिखाने की जगह हम सबको कृति में चाइना को बायकॉट करना होगा, तभी हम सही मायनों में चीन को सबक सिखा पाएंगे। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।